नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और मेरे साथ मेरे सहयोगी तृप्ति सोनी। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व शुरू होने में बस अब चंद घंटे बाकी हैं। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वोटर्स अलग अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार का चुनाव करेंगे। हालांकि नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, जब पता चलेगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने किस पर भरोसा जताया है, किस पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया है। फिलहाल मतदाता तैयार हैं, वो सियासी दलों के दावों और वादों को सुन चुके हैं, समझ चुके हैं और कल वो अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। वहीं दोनों ही राज्यों में चुनावी दंगल में उतरी पार्टियों को उनके प्रत्याशियों पर भरोसा है कि जनता उन्हें ही जीत का आशीर्वाद देगी। तो आपकी आवाज में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अब वोटर्स दिखाएंगे दम, 300 सीट पर किसका परचम। तो कल 300 सीटों पर मतदान होना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये सीटें रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश की 230 सीटें रहेंगी और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। 70 सीटों पर मतदान होगा। अब जनता ये तय करेगी कि किसे सत्ता के सिंहासन पर उसे बैठाना है, क्योंकि दावे और वादे दोनों ही पार्टियों ने भरपूर किए हैं, लेकिन किसके दावों में दम रहा है ये कल जनता इसका फैसला ईवीएम में कैद कर देगी और नतीजे साफ हो जाएंगे 3 तारीख को कि आखिरकार सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होने वाला है और अगले 5 साल तक किसकी सरकार दोनों ही राज्यों में बनने वाली है। तो वादों और दावों की जंग भरपूर हमने देखी है। लगातार कई महीनों से दावे और वादे किए जा रहे थे, जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जनता सब जानती है। अब जनता ये तय करेगी कि किसके दावे और वादों में सच्चाई रही है, किस पर भरोसा जताया जाए, किसको सिरे से नकार दिया जाए, ये तय करने का वक्त अब बहुत नजदीक है। 12 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, चंद घंटे बचे हैं और कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और ये तय करने का वक्त अब जनता के पास है कि कौन उसका सरकार बनाने वाला है, कौन सरकार में बैठेगा और कौन ये तय करेगा कि जनता को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। तो कल 300 सीटें हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों को मिलाकर के बात की जाए। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ में कल चुनाव होना है। सामान्य 148 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो यहां पर भी जो सीटों की संख्या है वो 35 है और अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं वो 47 सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें और इसी तरह से छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 70 सीटों पर कल वोट डाले जाने वाले हैं। तो चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिरकार जनता किस पर भरोसा जताने वाली है। तो मेरे साथ मेरी सहयोगी तृप्ति सोनी में जुड़ गई हैं। तृप्ति, शुरुआत करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और चर्चा आज इस पर कि मतदाताओं की अब बारी है। मतदाता तैयार हैं, मतदान केंद्र भी तैयार है और अब से महज 12 घंटे, मैं तो कहूंगी 11 घंटे क्योंकि कई जगहों पर 7 बजे से वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में 7 बजे से, छत्तीसगढ़ में कुछ केंद्रों में 7 बजे से 3 बजे तक है, बाकी 8 से 5 बजे तक वोटिंग होनी है। तो सबसे पहले अपील यही है कि वोट देने जरूर जाइएगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। दुर्गेश केशवानी बीजेपी प्रवक्ता मध्य प्रदेश से हमारे साथ में है। पीसीसी महासचिव रवि सक्सेना मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। संजय श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पहला सवाल करूंगी मैं आपसे, रवि जी कितने कॉन्फिडेंट हैं, कल परीक्षा है? भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 2018 में भी मध्य प्रदेश की जो हमारी जनता थी, मतदाता थे, जो जनता जनार्दन थी, उसने कांग्रेस पार्टी को अपना मत देकर सरकार बनाने का आदेश दिया था। पर ये जो
घपले घोटाले और भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोकतंत्र के सीने में, मैं समझता हूं कि छुरा घोपा और गद्दारों के दम पर सरकार बनाई, इसकी वजह से आज पूरे मध्य प्रदेश में एक माहौल है कि इनसे बदला लिया जाए और जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं इनको सबक सिखाया जाए, और सबक भी ऐसा वैसा नहीं सिखाया जाए, इतना बड़ा सबक सिखाया जाए कि ये आगे जाके किसी भी तरह का कोई खरीद फरोख या ऐसा काम नहीं कर सके जिससे कि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार को ये किसी तरह से आप जनता सबक सिखाएगी, ये कह रहे हैं नितिन भंसाली जी। अब जनता तो कल ये तय कर देगी कि किसी सरकार उन्हें बनानी है। सवाल आपसे है मेरा रवि सक्सेना जी, आज भगवान हनुमान के दर्शन करने पहुंचे थे कमलनाथ, आशीर्वाद मिलेगा, सब मंगलमय होगा, क्या कामना कर रहे हैं? नहीं देखिए, जैसा कि सब जानते हैं और सर्वविदित है कि माननीय कमलनाथ जी जो हैं वो बजरंग बली के अनन्य भक्त हैं, और उन्होंने छिंदवाड़ा में एक बहुत विशाल बजरंग बली का मंदिर बनाया है, और वहां पर रामलला की भी मूर्ति वहां पर सीता जी के साथ विराजमान है और अन्य देवी देवताओं की भी है, और वो नियमित रूप से वहां पूजा अर्चना करते हैं। निश्चित रूप से कल एक बहुत बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, और उस पर्व में इस प्रदेश के मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। उन्होंने निश्चित रूप से बजरंग बली से प्रार्थना की होगी, उन्होंने ठीक है उनसे अनुनय और विनय किया होगा। बजरंग बली दुर्गेश जी, प्रदेश की जनता बजरंग बली का आशीर्वाद कर्नाटक में किसे मिला था, लेकिन क्या कर्नाटक का असर मध्य प्रदेश में किस पर पड़ेगा? आपको नहीं लगता आज भव्य पूजा पाठ हुआ है छिंदवाड़ा में? देखिए, कांग्रेस और कमलनाथ जी और रवि भैया ये सब आखिरी समय के विद्यार्थी हैं जो 2020 क्वेश्चन लेके एग्जाम देने बैठ गए हैं, जिसको जनता के बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती है। जनता के आप दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में जब आप खड़े रहते हैं ना कीर्ति जी, तब जनता आपको आशीर्वाद देती है, और तब जनता आपको सतत आशीर्वाद देती है जो हमें जनता 2003 से लेकर अब तक देती आ रही है। ये बलि किसी भी दरवाजे पे चले जाए, इनकी कहीं कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि हनुमान जी भी उसी से ही प्रसन्न होते हैं जो 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 राम काज करते हैं। आपने तो राम को ही काल्पनिक बताने का काम कर दिया, आपने तो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर दिया, और आप सिर्फ आलोचना और आरोप लगाने का काम करते हो। आज भी ये चुनाव के आखिरी दिन खड़े हैं, ये जनता से निवेदन नहीं कर रहे हैं, जनता से विनय नहीं कर रहे हैं कि कल बिल्कुल मतदान करिएगा, सबको मतदान करना है, सबसे पहले मतदान फिर जलपान, यह उसको हम सबको लेकर जाना है। और निश्चित से इनके तो सुरजेवाला भी बता चुके हैं कि जनता राक्षस होती है, तो इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम आज भी कीर्ति जी एक मिनट बात हो जानी, आज भी ये सिर्फ आलोचना कर रहे हैं, ये खरीद फरोख की बात कर रहे हैं, जो ये पहले भी एग्जाम में बैठ चुके थे, इसमें जब 28 उपचुनाव हुए थे ना, तब ये गद्दार खुद्दार इन्हीं बातों को लेकर उस चुनाव में गए थे, जनता ने इनको सिरे से नकार दिया, फिर जनता इनको सिरे से नकारने वाली है, क्योंकि झूठ करने वाले लोग हो आप, कपट करने वाले लोग हो, धोखा देने वाले लोग हो, और आपने तो 973 ऐसे झूठे वचन दिए मध्य प्रदेश की जनता को जो एक वचन पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, संजय श्रीवास्तव जी, संजय श्रीवास्तव जी कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? जी 100% कॉन्फिडेंट है। कल जो लोकतंत्र का महापर्व है, जिसका इंतजार आम जनता जो है लगभग 5 साल करती है। देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में पिछला जो चुनाव था वो एक लोभ की राजनीति, एक भ्रम की राजनीति रही, और 5 साल के बाद जब परिणाम सामने आए तो वादा खिलाफी की राजनीति सामने आई है। इस सरकार से उबरने के लिए आम जनता तत्पर बैठी है,
कि कब इस सरकार से सरकार को विदाई दिया जाए और एक फिर से एक लोकतांत्रिक तरीके से एक बेहतर काम करने वाली जो पिछले 15 वर्षों में काम करी थी उस सरकार की स्थापना फिर से हो। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो पहला चरण हुआ है जिसकी रिपोर्ट्स भी आप सब लोगों को मिली है और आम जनता के बीच में जो एक रिपोर्ट्स आई है कि हम वहां पर काफी बड़ी मात्रा में बढ़त में हैं और मुझे लगता है कि 70 सीटों पर यह फैसला पूर्णतः रूप से हो जाएगा और लगभग हम 60 सीटों के ऊपर से लेकर इस प्रदेश के अंदर में सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के कारण है केवल इसलिए नहीं कि मैं विपक्ष का बैठा हूं, हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस का हम सरकार बनाएंगे। 5 साल एक बेहतर अवसर मिला था, बहुत बड़ा उन्होंने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, उन घोषणा पत्रों का अमलीकरण नहीं हुआ और मुझे लगता है कि जिन घोषणा पत्र के आधार पर भूपेश बघेल की सरकार बनी थी वही घोषणा पत्र इनको बाहर का रास्ता दिखाएगा और मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से हम इस प्रदेश में। रिपोर्ट आपके पास कहां-कहां की है, कौन से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है? देखिए इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स तो आती है, एग्जिट पोल भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विश्वास किसी भी पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो हम काम करते हैं और जनता के बीच से जो रिएक्शंस आते हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। नितिन जी, आज तो कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, फिर भी कहीं कहीं कौन कौन सी झड़पें हो रही हैं, ट्वीट पे ट्वीट अटैक हो रहा है इस पे पहले से ही, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? हम पूर्ण रूप से विश्वास में हैं और जैसा कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार भरोसे की सरकार है, हमने जो कहा वो किया। हमने जन घोषणा पत्र में जैसा कि आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि हमने नहीं किया, तो हमने जो कुछ किया उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी, नेताओं को भी मिला, कहेंगे तो उसकी सूची भी हमारे पास उपलब्ध है, मैं सार्वजनिक कर दूंगा उसको। हम हमारे 5 वर्षों के लोक कल्याणकारी कार्यों को लेकर जनता के बीच हैं और जिस प्रकार इन 5 वर्षों में हमने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, 2018 में चुनाव के साथ साथ इस प्रदेश की जनता का दिल जीता। आपने डिबेट की शुरुआत की कि परीक्षा है कैसे इसको देखते हैं, तो 5 साल जो बच्चा पढ़ता है, जो छात्र पढ़ता है, वो पढ़ने के बाद बिल्कुल अच्छे मार्क्स से पास होता है और बढ़िया पेपर बनाता है। वो बीजेपी के जैसे नहीं है कि पीछे की सीट पे बैठकर नकल करता है उसकी, आगे में जो होशियार बच्चा बैठता है उसकी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने हमारा एक मिशन तय किया है, अब की बार 75 पार, और मैं तो प्रदेश की जनता से निवेदन करूंगा मतदान अवश्य करें, कहो दिल से कांग्रेस फिर से। जिस प्रकार जनता का मूड नजर आ रहा है, जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं का जोश है और जैसा कि प्रदेश के किसान, युवा, महिलाएं, छात्र, हर वर्ग, व्यापारी, हर वर्ग जो है, हर वर्गों के लिए हमने इस जन घोषणा पत्र में फिर से जो काम हम नहीं कर पाए थे वो और बेहतर ढंग से कुछ काम जो हमको करने थे वो लेकर हम जनता के बीच, और जनता पूर्ण रूप से विश्वास कर रही है और इसका नतीजा जो है वो 3 दिसंबर को आप सबके सभी में कॉन्फिडेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। अब किसका कॉन्फिडेंस 100% सही साबित होता है ये तो हम कल देखेंगे ही जब जनता वोट डालने जाएगी। सत्यप्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे है, दोनों ही राज्यों की बात करते हैं, दोनों ही राज्यों में चुनाव है और अगर मैं आपका एनालिसिस पूछूं तो आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्योंकि वादे और दावे दोनों ही पार्टियों ने खूब किए। देखिए कीर्ति जी, जैसे कि जो ओपिनियन पोल्स आए हैं अगर उनको देखते हैं और वास्तव में जब ग्राउंड पर जाते हैं तो पहले मध्य प्रदेश से शुरू करते हुए छत्तीसगढ़ की तरफ जाएंगे। मध्य प्रदेश में आज जो दोनों मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच कुछ इलाकों में बहुत जबरदस्त लड़ाई देखी जा रही है, लेकिन कुछ जो रीजंस हैं वो कहीं ना कहीं किसी एक पॉलिटिकल आउटफिट आइदर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखते हैं। यहां देखिए मुख्य लड़ाई, कांग्रेस एक बड़ा स्टेप लिया है कांग्रेस ने कि 2018 के बाद 2020 मार्च में उसकी सरकार जिस घटनाक्रम के कारण गिरी उस घटनाक्रम को हाईलाइट करते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी पर लूट और खरोट खसोट की पार्टी या उस सरकार को बताए हुए जनता में आक्रोश की बात कह रही है। तो वही शिवराज सिंह चौहान अपनी 18 साल के जो गरीब कल्याण के काम किए हैं उन वादों को लेकर सत्ता में गई है। लेकिन इसके पीछे एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है कि इन दोनों ही इलेक्शंस, इस दोनों ही पार्टी इस इलेक्शंस में करप्शन के इशू को, चाहे वो 15 महीने लंबी कांग्रेस की सरकार रही हो या जो 20 साल के अंदर जो रिमेनिंग सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर कांग्रेस जबरदस्त अटैक कर रही है। आपने देखा होगा कि कर्नाटका में कांग्रेस को 40% कमीशन की सरकार का जो आरोप वहां की भारतीय जनता पार्टी पर लगाया उसके बाद उसको जबरदस्त जीत हासिल हुई। कहीं ना कहीं ये सीन
मध्य प्रदेश में वो 50% कमीशन की सरकार की तरफ दिखता है। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस एक आशा से कि एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट गवर्नमेंट है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के सामने है। उसी बीच सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी अपने द्वारा किए गए कामों को लेकर सामने दिख रही, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो कहीं ना कहीं दिखती है लाडली बहना योजना, वो कहीं आज भी अंडर करंट है। लेकिन देखा यह गया है कि सेंट्रल लीडरशिप ने पूरे इलेक्शंस को चाहे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ हाइक कर लिया है। कांग्रेस के सामने चेहरे हैं दोनों राज्यों में, वहां भूपेश बघेल हैं, यहां कमलनाथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज भी पब्लिक ये नहीं समझ पा रही कि उनके प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी में देखा जा रहा है, जबकि उनकी डिकेट लॉन्ग ये परंपरा रही और इसीलिए तो नारा दिया है बीजेपी ने, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। जो फोटोज आ रहे हैं, पोस्टर आ रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे दिख रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो। रवि जी ये बताइए कि अगर चुनावी समीकरण के लिहाज से समझे तो मालवा निमाड़ महाकौशल और ग्वालियर चंबल जादू चलेगा आपके नेताओं का? केंद्रीय नेताओं को झोंक दिया है विधानसभा में, ये रणनीति कौन सी है? क्या 2024 में कुछ नया करेंगे जिसके लिए 2023 में अपने सारे सिपहसालारों को, अपने बड़े बड़े सेनापतियों को उतार दिया है? जादू चलेगा, कुछ असर होगा जहां सीटें आपकी पिछले बार काफी कम थी? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो इस बार जहां पर कि हमको विंध्य प्रदेश में कम सीटें मिली थी, आज वहां पर हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। आप अगर चंबल और ग्वालियर में देखेंगे तो वहां पर भी क्लीन स्वीप होगा, मालवा और निमाड़ में क्लीन स्वीप होगा, और जो हमारा महाकौशल का एरिया है वहां पर हम बहुत बड़ी बढ़त लेने वाले थे। तो आप अगर देखेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में कमोबेश अगर आप देखेंगे तो हम लोग 150 प्लस सीटों पर जीतने जा रहे हैं, जो कि राहुल जी भी कह रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी के पास जो हम लोगों के पास फीडबैक है वो यही कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगभग 150 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस प्रदेश की जनता कह रही है कि अब हमको इस भ्रष्ट और नकारा सरकार को हटाना है। और ये तो वो सरकार हो गई, जैसे अभी हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि ये तो बिना दूल्हे की बारात है, ना तो छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री होगा और ना मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम किसको प्रोजेक्ट करें। अब तो मोदी जी भी जो है शिवराज जी की नाम तक लेने में अपने आप को छोटा समझते हैं, उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं, उनकी योजनाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इनका जो फर्जीवाड़ा है 22,785 घोषणाओं का, वो मोदी जी भी जानते हैं और वो शिवराज जी भी जानते हैं कि हमने इस प्रदेश की जनता को पूरी तरह से धोखा दिया है, 4.5 लाख करोड़ का कर्जदार बना दिया है। आज जो बच्चा पैदा होता है वो लगभग 51,000 का कर्जदार पैदा होता है। और अगर आप देखें तो 18 साल में शिवराज जी से मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि शिवराज जी ये तो बताइए कि 18 साल में कोई ऐसा काम बता दीजिए जो शिवराज जी के सिग्नेचर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाए। कोई बांध बनाया हो, कोई आपने फैक्ट्री डाली हो, कोई आईटी सेक्टर बनाया हो, कोई आपने बड़ा ऐसा काम किया हो जिससे इस प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले। आपने तो काम किया है व्यापम में हमारे प्रदेश के नौजवानों की नौकरियों का खाने का, पटवारी घोटाला करने का, नर्सिंग घोटाला करने का। आपकी तो सरकार ही घोटालेबाज सरकार है। हमने तो इनका आरोप पत्र जो जारी किया है उसमें कहा है कि 250 से ऊपर इन्होंने घपले घोटाले। ठीक है, ठीक है दुर्गेश जी। संजय जी मेरा सवाल आपसे है, सवाल आपसे है, जिस तरह से अभी सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि मोदी फैक्टर भले ही एक बहुत बड़ा फैक्टर हो आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बिना दूल्हे की बारात आप निकाल रहे हैं, तय नहीं कर रहे हैं कि सीएम फेस कौन रहने वाला है, तो इसका जनता के बीच कोई अलग संदेश तो नहीं गया है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा आप पर? देखिए ये अच्छी बात है कि सबने इस बात को कम से कम स्वीकार किया कि हाँ मोदी फैक्टर हर जगह चलता है और मोदी का कोई तोड़ नहीं है। ये हमारी
नेतृत्व तो जो हमारी क्षमता है इस पर सबने मोहर लगाई है, यहां तक कि कांग्रेस के लोगों ने भी लगाई है। जहां तक आपने बिन दूल्हे बारात की बात करी है, देखिए ऐसा है कि इस प्रदेश के अंदर में जो छत्तीसगढ़ का जहां तक सवाल है, अन्य चुनाव भी है लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, मैं बहुत पीछे नहीं जाता। 2018 में मेरा प्रतिप्रश्न यही रहेगा कि जब 15 साल तक कांग्रेस सरकार में नहीं रही और जब पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा तो उनका दूल्हा कौन था? सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, ये स्ट्रेटेजी रहती है, और उसके बाद यदि बहुमत आता है बहुमत के आधार पर नेता चुना जाता है। हमारी भी वही स्थिति है, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में हमने काम किया है। इस बार हमारे पास बहुत सारे ऐसे नेतृत्व हैं, युवा नेतृत्व है हमारे पास में है, और इस बार हम सामूहिक नेतृत्व के साथ में, और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी तो दुनिया के नेता है, देश के नेता है, कांग्रेस के नेता भी इसको स्वीकार करते हैं, उनकी लोकप्रियता का तो कहीं कोई विषय ही नहीं, उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन सामूहिक नेतृत्व के साथ हम लड़ेंगे। और हम वो कांग्रेस नहीं है, एक मिनट मेरे को समय दीजिए थोड़ा सा, जल्दी, हम वो कांग्रेस नहीं है कि हमारे लिए मारकाट हो जाए या कुर्सी फेंक का जो जिस तरीके से सब चीजें सामने आ रही है, हम चुनाव जीतेंगे बहुमत के आधार पर। इसी में ऐड कर रही हूँ संजय जी, इसी में ऐड कर, हमारा नेतृत्व तय कर देगा, इसी में ऐड कर रही हूँ संजय जी, मैं युवा नेतृत्व भी हमारे साथ में कहा, अमित शाह आते हैं केंद्रीय गृह मंत्री ओपी चौधरी के बारे में कह जाते हैं कि इनको जिताइए हम बड़ा आदमी बनाएंगे, तो बताइए ओपी चौधरी को लेकर के आप लोग सारे के सारे, शायद आधी अधूरी बात सुनने की आदत ठीक नहीं होती है, उन्होंने कई नेताओं को कहा अच्छा लीडरशिप उनको दी जाएगी, अच्छा नेतृत्व तो दिया जाएगा, इसका अर्थ यह थोड़ी ना कि मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उन्होंने, मैं विष्णुदेव साय जी के साथ भी था उस मंच पर था बगीचा में, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व तो इनको बड़ा पद दिया जाएगा, बड़ा स्थान दिया जाएगा। ऐसे अनेक नेता जो हमारे सीनियर नेता है, अच्छे नेता है, इसका अर्थ यह थोड़ी ना होता है, ये हम वो नहीं है ढाई ढाई साल वाले कि हम ढाई साल तू ले ले, एक साल तू ले ले, पांच साल तू ले ले और उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, ये स्थिति नहीं है। 3 महीने के लिए उपमुख्यमंत्री बना दो, ये सर्कस, ये सर्कस बीजेपी में नहीं चलेगा। हाँ। यहाँ बहुत क्लियर कट मामला है, हम चुनाव जीतेंगे। 5 मिनट कह रहा हूँ, 6वां मिनट नहीं लगेगा, नेतृत्व तो तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, नेतृत्व तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये संजय श्रीवास्तव जी यहाँ पर कह रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त है यहाँ पर, उसके बाद चर्चा को हम लगातार इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है और मेरे साथ ही मेरी सहयोगी तृप्ति सोनी भी मौजूद हैं। सत्यप्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे है, मैं अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के लिहाज से बात करूं तो 15 साल जब छत्तीसगढ़ में सरकार रही तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ और कांग्रेस की सरकार आई। अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर हो सकती है? देखिए, जब कोई चीज लगातार लोग देखते रहते हैं, जैसे मैं यूं कहूं कि आप जो कोट पहने हैं ये है बहुत अच्छा, पर रोज रोज अगर आप इसी कोट को पहने तो फिर लोगों को पसंद नहीं आएगा। भले ही कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हुआ हो या बीजेपी की हो, वो अगर लंबे समय तक रहती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आना स्वाभाविक है डेमोक्रेसी में। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसकी कुछ एक्सपेरिमेंट्स या स्टेप या इनिशिएटिव्स कहें ऐसे रहे जिसको ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की कई कमिटीज ने रेकमेंड किया है बल्कि स्टेट की कई सरकारों ने भी उसको एडॉप्ट किया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस का मैनिफेस्टो ले लो, चूंकि वो उन्हीं की पार्टी है, या फिर बीजेपी का ले लो, उसमें दो चीज आपने कहीं ना कहीं उस सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की देखने को मिलेंगी। एक तो तेंदू लीव्स कलेक्टर के लिए कुछ पैसा देना, मंथली अलाउंस देना। दूसरी चीज आपने देखी होगी कि जो पैड़ी है उस पर एमएसपी देना। ये आया कहां से है? ये आइडिया कहीं ना कहीं वहीं से तो आया है। तो कहा यह जा सकता है कि वो सरकार हालांकि अभी तक सफल दिखती नजर आई है, लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी की वह बस सिचुएशन, तीन राज्यों में चुनाव हो गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस राजस्थान में नहीं पुअर था, मध्य प्रदेश में पुअर नहीं था, लेकिन वहां उसका सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है, जिसके कारण सेंट्रल लीडरशिप ने लगातार रमन सिंह जी को साइडलाइन करते चले गए, चाहे वो कोई भी मामला रहा हो। वो आज ये स्थिति है कि वहां सेंट्रल लीडरशिप और बीजेपी ये डिसाइड नहीं कर पाई, ये डिलेमा में रही कि किसको हम सीएम फेस प्रोजेक्ट करें। देखिए, जब लंबी सरकारें चलती है तो उनकी अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी आती है। मान लो शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 2008, 13 और 18 में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त आगे ले गए। हालांकि 18 में शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा सत्यप्रकाश जी कि एंटी इनकम्बेंसी का ही परिणाम था कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, सत्ता पलटी। मेरा सवाल रवि जी आपसे है, दुर्गेश जी मेरा सवाल आपसे है, दुर्गेश जी के पास चलती हूं। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से मध्य प्रदेश में भी सत्ता गई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन फिर हुआ क्या? डेढ़ साल के बाद में आप पर आरोप यह है कि कांग्रेस के विधायकों को सरकार के एंटी कर दिया आपने और सत्ता बना ली, इसका असर नहीं पड़ेगा क्या? क्योंकि लोकतंत्र में 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं और उपचुनाव जब ऐसे मौके पर हो जब सरकार नई चुननी हो तो उसका असर पड़ेगा नहीं बाद में? अब देखिए कीर्ति जी, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के साथी जो अति उत्साह में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 150 सीटें यहाँ पे क्लीन स्वीप, वहां पे क्लीन स्वीप, तो कहीं कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुगालतों के सारे जनता के बीच में और आरोप लगाने के सारे में, और हम इसलिए इनको राहुल गांधी की पार्टी का नेता बोलते हैं कि ये सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करने का काम करती है। आप जनता के बीच में सिर्फ भाजपा को बदालियां देते हुए ही आप जाओगे क्या? तब आपको चुनाव जनता जिताएगी क्या? जाएंगे जनता यह जानना चाहती है कि आपने उन 15 महीने में किया क्या था। और आप भ्रष्टाचार की बातें करते हो, आपके मंत्री ने आपके जनता के समक्ष आके ये प्रमाण दिए थे कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश को लूटने आई है, उमंग श्रृंगार के ये शब्द हैं, उन्होंने जनता के समक्ष आके ये बात कही थी कि दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े ब्लैकमेलर हैं, दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े माफिया हैं, और दिग्विजय सिंह जी के कहने पर हम योजनाएं बनाते हैं। ये आपकी सरकार का आप जनता को सर्टिफिकेट दिया था, आपने आपके मंत्री ने आके दिया था, और आप आरोप हम पर लगाने का काम करते हो जिस सरकार का कोई भी मंत्री कभी भ्रष्टाचार के मामले में कभी अंदर नहीं गया हो। प्रियंका गांधी क्या बोलकर गई जी? मुद्दा नहीं बनेगा, प्रियंका गांधी क्या बोलकर गई? देखिए, कहीं कोई मुद्दा नहीं बन रहा है। मैंने कहा ना, ये लोग सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करने वाले लोग हैं। जनता भली बात ही समझती है
कि आप उनके दुख में नहीं खड़े रहोगे, आप उनके दर्द में नहीं खड़े रहोगे, उनकी तकलीफ में नहीं खड़े रहोगे, उनके कष्ट में नहीं खड़े रहोगे, पर आप भाजपा को गाली दोगे आप। लेकिन दुर्गेश जी, जनता तो और भी बहुत कुछ समझती है, जब जनता पर अत्याचार की बात आती है, आदिवासी अत्याचार की बात आती है, तो जनता वो भी समझती है, फिर उसके बाद घोटाले होते हैं, जनता वो भी समझती है। सवाल मेरा आपसे है रवि सक्सेना जी, मैं अगर महाकौशल की बात करती हूं, कांग्रेस यहां पर मजबूत रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से सांसद उतारे गए हैं, केंद्रीय मंत्री उतारे गए हैं, कितनी चुनौती देख रहे हैं, क्या चुनौती देख भी रहे हैं या फिर ऐसे ही मान रहे कि चुनौती नहीं है? मैं आपके चैनल पर बहुत अधिकार से ये बात कह रहा हूं कि ये जो भाजपा है ये नेता विहीन हो गई है, ये कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश और भारत की बात करते करते आज कांग्रेस युक्त पार्टी बन गई है। इनके अगर आप अभी उम्मीदवारों के लिस्ट उठा के देखें तो लगभग 30% कांग्रेसी इनके उम्मीदवार बने हुए हैं। जिन लोगों ने जीवन भर इनका विरोध किया, बेचारों ने काम धाम किए, दिन रात इनके पार्टी का झंडा डंडा उठाया, दरी बिछाई, आज वो सारे के सारे लोग बाहर कर दिए गए और कांग्रेस से पार्टी कांग्रेस से आए हुए लोगों को इन्होंने वहां पर मंत्री बना दिया और उनको उम्मीदवार बना दिया। अब आप सोच सकते हैं ये कितनी दिवालिया पार्टी है, इनके पास ना नेता है, ना नियत है, ना दिशा है और ना दशा है। आज की डेट में ये पूरी पार्टी पूरी तरह से दिवालिया हो गई। लेके भी तो गए, वो तो लेके भी तो गए। देखिए मैं आपको केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, नितिन जी, ये पार्टी अब पूरी तरह से, ये पार्टी अब पूरी तरह से नियत है, ये सिर्फ इसलिए चुनाव में कि भाजपा से अगर कोई नाराज होगा तो कांग्रेस को वोट दे जाएगा। अब देखिए मेरी नकल करने लगे, जो मैंने कहा इनके पास कुछ शब्द भी नहीं है। नितिन धनसाली जी, समय में इनके पास तो वादों पर बात कर लेते हैं थोड़े से। घोषणा पत्र 2018 में इतना लब्बो लुबाब, उसके बाद बीजेपी उसी ही मुद्दा बनाती है, संजय जी कह रहे हैं उसकी वजह से ही हारेंगे आप लोग, क्यों लगता है आपको इस बार वादे आपने किए तो बीजेपी ने भी तो 100-100 रुपए या कुछ एक वादे ज्यादा किए हैं, आपको किस्तों में घोषणा करनी पड़ी, आपको लगता है कि वोट कैसे पड़ेंगे फिर? वोट तो एक साथ ही पड़ते हैं। हमने जो कहा है वो किया है, इसी भरोसे में, इसी विश्वास में जनता हमारा साथ दे रही है। हम तो चुनाव उसी दिन जीत गए जिस दिन भाजपा का घोषणा पत्र आया, बड़े मजे की बात है, उसमें लिखा था मोदी की गारंटी, छत्तीसगढ़ में कोई नेता ही नहीं है, ना डॉक्टर रमन की गारंटी, ना ब्रिजभवन की गारंटी, अरे भाई बोल देते भाजपा की गारंटी तो भी समझ में आता। क्या घोषणा पत्र बनाया, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, हमारी कॉपी की 500 रुपए में सिलेंडर, ये छत्तीसगढ़ में क्यों दे रहे हैं, पूरे देश में देना चाहिए, महंगाई तो पूरे देश में, यहाँ चुनाव है इसलिए झांसा राम, ये झांसा राम यहाँ पर झांसा दे रहे हैं जनता को, बोलते हैं 3100 में धान खरीदेंगे, उत्तर प्रदेश में 1200 में बिक रहा है, अरे भैया एमएसपी कर दो 3100 रुपए पूरे देश में। तो इन्होंने जो पहले मोदी ने जो केंद्र में जो वादे किए थे सरकार बनाने से पहले, आम जनता को जो छल किया था जनता के साथ कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं क्या 100 दिन में महंगाई कम करूंगा, काला धन लाऊंगा, 2 करोड़ लोगों को, लेकिन वादा तो आपने भी शराबबंदी का किया था, वादा तो आप भी शराबबंदी का करके आए थे, लेकिन शराबबंदी तो नहीं करी आपने। हम पूर्ण नशाबंदी की ओर अग्रसर हैं, हम शराबबंदी नहीं, पूर्ण नशाबंदी की ओर अग्रसर है। हमने इस विषय में काम तो किया और हम अग्रसर हैं इस पे, ऐसा भी नहीं है। बीजेपी यदि इतना समर्थन करती है शराबबंदी, शराबबंदी की बात अगर कर रही तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं डाला? और हम तो आज भी कह रहे हैं कि हम घोषणा पत्र में आप लोगों ने एक बात और नहीं लिखी है, नोटबंदी और जीएसटी और लॉकडाउन के जैसा शराबबंदी। ठीक है नितिन जी, संजय जी, घोषणा पत्र में आप दोनों ने एक बात और नहीं लिखी है, 2018 में ये गए कर्मचारियों के बीच, अभी अभी आप लोग भी गए कर्मचारियों के बीच, हम नियमितीकरण का वादा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, कर्मचारियों के बारे में कुछ लिखा नहीं, शराबबंदी पर भी कुछ नहीं लिखा। देखिए ऐसा तृप्ति जी, ये सरकार में है, सरकार में रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, सवाल इन पर पहले ये होता है कि आपने जिन घोषणा पत्र के आधार पर, बहुत घोषणा पत्र की बात हुई थी कि अच्छे घोषणा पत्र के आधार पर सरकार बनी, आपने पूरा वादा क्यों नहीं किया? आज ये मोदी की बात करते हैं, मैं आखिर ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मोदी और अमित शाह से डर क्यों लगता है इनको? ये चोरी पकड़ी जाती है, इनकी डकैती पकड़ी जाती है, इनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, मोदी और शाह के नाम से इनको नींद नहीं आती, पहली चीज। दूसरा सबसे, एक मिनट, सुनिए, कांग्रेस के अंदर इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। दूसरा विषय यह है, डर की परिभाषा कांग्रेस भूल गई। डर इसको कहते हैं कि जब हमने 12,000 रुपए महिलाओं को देने की बात की,
प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया, उसके बाद डर के मारे भूपेश बघेल जी प्रथम चरण के बाद 15,000 का डिक्लेयर करते हैं। जब महिलाओं का पूरा समर्थन हमको प्राप्त होता है, इसको डर कहते हैं, इसको डर कहते हैं। घोषणा पत्र तो एक मिनट हो जाएगा पूरा। घोषणा पत्र ऐसा होता है शक्ति जी, घोषणा पत्र हर एक पार्टी का अधिकार है कि आप घोषणा पत्र जारी करें चुनाव के अंदर में कि आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि दो ये बोल दिया, दो वो बोल दिया, घोषित हो गया, फिर उसने कह दिया कल और मैं कहते मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मुझे लगता है ये सरकार भ्रष्ट सरकार है, तमाम अच्छे कुछ अच्छे ठीक है। नितिन जी एक मिनट, दुर्गेश जी आरोप आप पर भी लगे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप आप पर लगे हैं, महिला अत्याचार को लेकर के आरोप लगे हैं, और उसके बाद आप महिलाओं की ही बात करते हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो आपको लग रहा है कि इतने अत्याचार के बाद महिलाएं आधी आबादी आपके साथ होगी? देखिए हम बात नहीं करते हैं कीर्ति जी, हम काम करके दिखाते हैं। अगर हम लाडली लक्ष्मी बहना लेके आए, कन्यादान योजना लेके आए, लाडली बहना योजना लेके आए, तो निश्चित रूप से हमने महिलाओं के हित में ये कदम उठाया आधी आबादी के लिए। आज आप मध्य प्रदेश में आप ग्राउंड लेवल पे तो आके देखिए कैसे बहने पलके पावड़े बिछाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कर रही है कि हमारे भैया ने हमारी अपनी बहनों के लिए ये काम किया है, और निश्चित रूप से हमने जो कहा। लेकिन फिर 6 महीने में ही क्यों याद आती है, जब आखिरी के 6 महीने बचते हैं तब बहनों की याद क्यों आती है? 18 सालों में बहनों की याद फिर क्यों नहीं आई? हमारी किसी संकल्प, हमारे किसी घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं था लाडली बहना का। पर जब जनता के बीच में, क्योंकि हम 24x7 365 दिन पांचों साल जनता के बीच में रहते हैं, जब जनता के बीच से उठकर मांग आती है तो निश्चित रूप से हमने हर वो संकल्प पूरा किया जो हमने उसको बात की, और हमने ऐसी भी बातें मानी जनता के हित में काम किए। तो हम जन निश्चित रूप से, अब कांग्रेस ने, कांग्रेस का कैरेक्टर, कांग्रेस का जो मूल चरित्र है वो क्या है, वो योजनाएं बंद करना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 3% योजना बंद कर दी, मध्य प्रदेश में दीनदयाल धरकोई बंद कर दी, हर योजना बंद करने का काम कांग्रेस ने किया। अब मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की ये दुकान बंद करने वाली है, कांग्रेस का शटर गिराने वाली है कि आपने जनता के हितों का काम नहीं किया, इसलिए जनता आपको अच्छा नहीं, इसलिए काम करने वाले जनता ठीक है। आगे बढ़ेंगे कीर्ति, ये देखिए ये जो मौजूदा दौर है ये महिलाओं के लिहाज से कितना अच्छा उछला है कि एक तरफ मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महिला वोटर्स को रिझाने और लुभाने के लिए या आर्थिक सहायता सशक्तिकरण के नाम पर ही कुछ ना कुछ घोषणाएं तो हो रही है, चाहे महंगाई से राहत की बात हो, 33% आरक्षण की ओर भी बढ़े हैं क्या, ये भी टटोलना बाकी है। लेकिन सवाल मैं करूंगी आपसे रवि जी, आज शिवराज सिंह चौहान गए थे लाडली बहनों के बीच में, खाना भी खाया है वहां पे, उनकी उगाई सब्जियों का स्वाद भी चखा है, आपको नहीं लगता कि जनता कौन सा स्वाद चखाएगी? फिर बहने आशीर्वाद कहाँ दे देंगी, पहले से लाडली किनकी हो जाएंगी? देखिए जिस पार्टी का शीर्ष पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ के बैठा हो, और वो पार्टी अगर महिला सशक्तिकरण की बात करती हूँ, मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई हास्यास्पद बात हो गई। अब देखिए कितनी बड़ी मिर्ची लग गई, अब देखिए कैसे पागल हो गए ये लोग, अब इनका इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा, इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा। अब देखिए, अरे आपका मानसिक बात कंप्लीट करने दीजिए, बात कंप्लीट करने दीजिए, इनको रोकिए, बात कंप्लीट करने दीजिए, इनको म्यूट कीजिए, इनको म्यूट कीजिए, सम्मान की बात कर रहे थे, इनको म्यूट कीजिए, इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, बात कंप्लीट करने दीजिए और ऐसे शब्दों का चयन मत कीजिए, मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, इनको म्यूट कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग महिला, दूसरा मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि महिला सम्मान की बात करने वाले लोग इस मध्य प्रदेश में, अगर आप सुन लीजिए प्लीज, नहीं रवि सक्सेना जी, ऐसे तो कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने महिलाओं को लेकर के थोड़ी देर पहले महिला, ये तरीका नहीं है, इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, सही तरीके से चर्चा करिए, इनका इनकी वॉइस को म्यूट कीजिए प्लीज, और ऐसी बातें करते हैं जनता इनको कल मुंह तोड़ कर आप देगी। कीर्ति आप इनकी वॉइस को म्यूट कीजिए, रवि जी आप अपनी बात आगे रखिए और प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, तो इनको म्यूट तो कीजिए प्लीज। हाँ, वो पार्टी
जो कि विगत 7 साल से एससीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिला अत्याचार में नंबर 1 हो, जो आदिवासियों पर अत्याचार में नंबर 1 हो, जो छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म में नंबर 1 हो, जो आदिवासी महिलाओं को जिंदा गाड़ देती हो, जो उनको घसीटती हो, वो लोग जो हैं आज बात करें अगर महिला सशक्तिकरण की इस मध्य प्रदेश में, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। ये पार्टी पूरी तरह से महिला विरोधी है। और अभी 3 महीने पहले शिवराज जी को याद आई लाड़ी बहना को, जब कर्नाटक में हमने 2000 रुपया प्रति माह देने का जो है काम किया, जब माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि मैं 1500 रुपए हम लोगों ने हमारी सम्मान के फॉर्म भरवाना। सत्यप्रकाश जी, महिलाओं को लेकर के हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, और जब महिलाओं की बात आती है तो दोनों ही पार्टियां महिलाओं के नाम पर दावे और वादे खूब कर देती हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आती है, जब महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात आ जाती है, तो उस तरह से हमने नहीं देखा कि महिलाओं को टिकट दिया गया हो। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, महिलाओं को सशक्त करना, आर्थिक रूप से सशक्त करना, जेंडर इक्वलिटी और समाज के समग्र विकास के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या किसी को इमदाद देना? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस भी इशू किए हैं दोनों राज्यों को, मध्य प्रदेश और राजस्थान को। क्या इमदाद देना उनको सशक्तिकरण प्रदान करेगा? ये बेहतर हो कि कहीं ना कहीं महिलाओं को अगर मेन स्ट्रीम में लाना है तो पहले तो उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं। अब अगर मध्य प्रदेश की आप लिस्ट देखें, भारतीय जनता पार्टी बिल लाई, पास कराया, 33% रिजर्वेशन इन असेंबलीज और लोकसभा, लेकिन आप अभी जो लिस्ट जारी हुई है, दोनों पार्टीज की लिस्ट को अगर कंपेयर करते हैं तो कौन ने कम दिए, किसने ज्यादा दिए, ये आप सबके सामने है। तो आपकी बात कहीं ना कहीं ये झूठी पड़ती। इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि आज मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शन पूरा घूम रहा है वो कहीं ना कहीं फ्रीबीज की तरफ जाता है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा के बड़े लीडर जिन्होंने जनसंघ और भाजपा को आगे बढ़ाया और बनाया, वो तलक कहते थे कि लोगों को फ्री में बांटना कहीं ना कहीं उनको कमजोर करना और देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा अटैक है। फिर आज है ना, अभी मौजूदा हालात में दिलचस्प बात आपको बताती हूँ सत्यप्रकाश जी, कि जब हम फील्ड में जाते हैं और महिलाओं से पूछते हैं कि एक छत्तीसगढ़ में जो घोषणा हुई है कि एक 12,000 देंगे, एक 15,000, तो महिलाएं क्या कहती है? कोनो कहीं नहीं देवे, कोई कुछ नहीं देता है, सब बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे कुछ महिलाएं कहती हैं। लेकिन इससे परे मैं सवाल करना चाहूंगी आपसे, किसानों को लेकर किसानों की बात होना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश में गेहूं पर सियासी विवाद, छत्तीसगढ़ में धान पर। रवि जी बताइए मुझे कि गेहूं कितने वोट दिलाएगा गेहूं? तृप्ति जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये देखिए, किसानों के लिए हमने सबसे बड़ा जो काम किया वो काम किया कि हमने आते से ही सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 11,587 करोड़ रुपए का हमने किसानों का कर्जा माफ किया। और ये हमने मात्र माननीय कमलनाथ जी की सरकार में 11 महीने में करके दिखाया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार झूठ बोल रहे थे कि वो कि तो कर्जा माफ कर ही नहीं सकते, कर्जा माफ किया ही नहीं है। फिर बाद में इनके कृषि मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया कि हाँ, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, 11,587 करोड़ रुपया। तो भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी। झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, और तब तक बोलो जब तक कि वो सच न लगने लगे। तो ये केवल झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये किसानों को छलते हैं। आप बताइए, इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आज हम 23 में खड़े हैं, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? ठीक है, किसानों की आय आगे। नितिन भंसाली जी, उनके बीच सवाल मेरा आपसे है, नितिन भंसाली जी, इन्होंने बीजेपी आरोप आप पर लगाती है कि केंद्र की जो योजनाएं थी वो आपने छत्तीसगढ़ की जनता तक नहीं पहुंचने दी है। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात कर लेती हूँ, 17 लाख आवास थे जो कि बनने थे, वो नहीं पहुंचने दिए। तो आपको क्या लगता है, जनता आप तक आपको फायदा पहुंचाएगी, आपको चुनेगी इस बार?
जिस दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी उसी दिन से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के साथ मोदी जी ने वो विश्वासघात किया। उन्होंने हमेशा सौतेला व्यवहार किया छत्तीसगढ़ के साथ। जो राशि होती है केंद्रांश और राज्यांश का मामला होता है, हमने हमारे हिस्से के पैसे जमा किए, उसके बाद भी इन्होंने जो राशि जारी करनी थी नहीं की, इसकी वजह से जो आवास थे वो अटके। लेकिन हमने इस पे भी रास्ता निकाला है और अब हम एक नई योजना के तहत, जो चुनाव से पहले ही वो योजना लॉन्च हो चुकी है, और हम गरीबों को लगभग 17.5 लाख गरीबों को आवास भी देने जा रहे हैं। तो ये हमने किया है। हर जगह हमको अटकाया गया है, चाहे धान की खरीदी का मामला हो, चाहे बारदाने का मामला हो, चाहे खाद का मामला हो। इनको ज्ञान का भाव है, छत्तीसगढ़ को ज्ञान का भाव है, चुनाव में झूठ बोलने का एक्सपीरियंस है, भेदभाव। ये पीएम आवास के लिए इन्होंने अपनी राशि जमा नहीं करी, इनको जानकारी है नहीं। अरे भैया, यहाँ पे शर्त लगा लो, इसको रिकॉर्ड कर लो। कौन झूठा कौन सच्चा, ये अब जनता तय करने वाली है, और कल जनता ये साबित कर देगी कि उसको किस पर ज्यादा भरोसा है। और जब ये साबित हो जाएगा तो तस्वीरें हम 3 तारीख को साफ कर देंगे कि जनता का विश्वास आखिर किसके साथ रहा है। बहुत शुक्रिया है आप सभी का हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए और तमाम पहलू रखने के लिए। तो कल लोकतंत्र का महापर्व है और उस महापर्व में आप भी हिस्सा लीजिए, जरूर मतदान कीजिए और देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।